सबसे पहले तो तमाम मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आज झारखंड के 22 साल में नियोजन नीति नहीं रहने के कारण राज्य के तमाम सरकारी विभागों के सभी परीक्षाएं स्थगित है, और नियोजन नीति लागू करने को लेकर के झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। और पिछला 21 दिसंबर को हम लोग ने ऐतिहासिक विधानसभा घेराव किया था। उस दिन वर्तमान हेमंत सरकार ने सदन के अंदर एक तरह से हम लोग को आश्वासन दिया था कि एक महीने के अंदर अर्थात 26 जनवरी तक नियोजन नीति लागू करेंगे, और उसका वादा को हम लोग विश्वास करते हुए अपने उबलता हुआ खून को शांत रखते हुए धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक हम लोगों ने इंतज़ार किया। इस बीच में कहीं भी किसी प्रकार का हम लोगों ने कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन अफसोस और दुर्भाग्य कि हर बार की भांति इस बार भी वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार फिर से जो है कि झूठ बोलने का काम किया और धोखा देने का काम किया, जिसके परिणाम हम लोगों ने एक पूरे झारखंड के तमाम छात्रों ने कॉल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से कि भाई हम लोग पढ़ पढ़ के तैयारी कर कर के हम लोग कंप्लीट कर दिए, अभी तक सरकार ना हमारे नियोजन नीति के विषय पर कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया है। इसीलिए हम लोग ना चाहते हुए भी दुखित पीड़ित सभी छात्रों ने हम लोग ने एक निर्णय लिया है कि बहुत बड़ा महाजुटान हम लोग करेंगे नियोजन नीति को लेकर के, और जिसका कार्यक्रम का घोषणा आगे कि हमारे हजारीबाग के साथी लोग आए हैं वो करेंगे। लेकिन हम कह देना चाहते हैं ये वर्तमान सरकार को कि हेमंत सोरेन जी झारखंड के छात्र को बार बार मूर्ख बनाने का काम मत करिए, और झारखंड के छात्र कोई सोए हुए नहीं है, सजग है और जागरूक है, और आने वाला जो हमारा कार्यक्रम होगा वो निश्चित ही जो 21 दिसंबर का जो कार्यक्रम था विधानसभा घेराव, जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया था, वो तो एक ट्रेलर था, उसके आगे बहुत बड़ा बृहद प्रोग्राम होगा, और उस दिन पूरे झारखंड के तमाम पूरे राज्य के छात्र शामिल होंगे और बहुत ही माहौल गुलान होगा। और अगर ये सरकार जिस तरह से सोच रही है कि बिना शिक्षक का स्कूल चल सकता है, ये सरकार जिस तरीके से चला रही है कि बिना डॉक्टर का हॉस्पिटल, बिना शिक्षक का स्कूल, बिना कर्मचारी का ब्लॉक और बिना कर्मचारी का तमाम सरकारी कार्यालय चल सकता है, तो हम लोग अब आगे घोषणा करेंगे कि बिना विधायक का ये विधानसभा चले, और जो आगामी रामगढ़ का जो उपचुनाव होगा एक बार खाली होता है तो कुछ ही दिनों के अंदर आनंद फानंद में वहाँ डेट निकाला जाता है, लेकिन विभिन्न विभागों में पद खाली है, वहाँ पे कोई परीक्षा का तिथि नहीं निकाला जा रहा है। तो अगर बिना शिक्षक का स्कूल चल सकता है, बिना डॉक्टर का हॉस्पिटल चल सकता है, तो हम लोग कहेंगे कि अब अगर यहाँ नियोजन नीति नहीं होगा तो अब झारखंड में रामगढ़ उपचुनाव में अब चुनाव भी होने नहीं देंगे, और सभी कोई हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और हम लोग अपील करेंगे कि नोटा में जो है कि बटन दबाए यहाँ के तमाम झारखंडी लोग। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।